अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज चिकन के शामी कबाब बनेंगे, और वो भी बहुत रेशेदार। तो ये रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए मैं बताऊंगी, चिकन लिया है मैंने 1 किलो, और इसको मिक्स ले लिया है, देखें बड़ी बड़ी बोटियाँ। तो आपने बड़ी बोटियाँ लेनी है, ये देखें इस तरीके से ले लें, चाहे लेग हो या सीने का हो, तो आप इस तरीके से ले लें 1 किलो। और इसको मैंने धो लिया है। चने की दाल ली मैंने 1/2 किलो, और इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, और ये देखें इस तरह फूल गई है, ठीक है। तो अब हम इसको पका लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे हम गोश्त, सारा गोश्त डाल दें इस तरीके से। और ये जो दाल में पानी था ना, इसके समेत इसमें डालना है इसको आपने, तो पानी समेत दाल डाल दें। इससे ये होता है कि जो दाल वाला पानी होता है ना, इससे दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये पानी आप बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें, कोई सी भी आपने दाल भिगोनी है तो पानी ना ज़ाया करें। और मिर्च ली है साबुत वाली 10, और 1 टीस्पून कुटी मिर्च, और 1 टेबल स्पून नमक। नमक और मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से रखें। तो ये सब इसमें डाल देंगे। और मैंने लौंग ली है 4 अदद, 1 दालचीनी का पीस, 8-10 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा सफ़ेद वाला, ये डाल देंगे इसमें। और इसको मिक्स कर लेंगे। और देखें बहुत ही कम मसालों से ये इतने टेस्टी बनेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम मसालों से इतने अच्छे मज़ेदार कबाब बने हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे हम। थोड़ा पानी डाल लेते हैं। पानी डाला है मैंने इसमें 4 गिलास, टोटल 4 गिलास पानी है, दाल का जो पानी था वो, और ये जो डाला है मैंने, या 3 या 4 आप इस तरीके से डाल दें, और ना कम हो ना ज़्यादा। तो कवर कर देंगे पानी खुश्क होने तक। और पानी देखें खुश्क हो चुका है, और दाल और गोश्त गल चुका है। तो ये पानी जितना रह गया है थोड़ा बहुत, तो इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। तो इसकी हम कर लेते हैं ज़रा भुनाई सी, यानी कि ज़रा खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से पानी। और आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है, और इसको मैं उतार लूँगी, और ये हड्डियाँ अलग कर देंगे गोश्त में से, ताकि हड्डी ना आए शामी कबाब में। तो मैं अलग करके आपको दिखाती हूँ। और मैंने सारी हड्डियाँ अलग कर दी हैं, और गोश्त इसमें डाल दिया है चिकन दाल के अंदर। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको हम पीस लें या कूट लें। आपने पीसना तो बिल्कुल नहीं है ना ये, वरना ख़राब हो जाएंगे शामी कबाब। आपने इसको कूटना है, या कूटी डंडे में कूटें, या आप इसी के अंदर मैशर से कूट लें इस तरीके से। तो ये ज़्यादा इजी है, आप इस तरीके से कर लें। आपने ना इसको मशीन में डालना है, ना सिलबट्टे में पीसना है, वरना ये कबाब ख़राब हो जाएंगे आपके। ऐसा लगेगा जैसे आप दाल के कबाब खा रहे हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त सा मैंने कूट लिया है, एकदम परफेक्ट रेशे नज़र आ रहे हैं इसके। ये देखें क्या ज़बरदस्त रेशे नज़र आ रहे हैं, VIP। तो बस इसी तरह आप कूट लें। और इसमें थोड़े मसाले जाएंगे। प्याज ली है मीडियम साइज़ की, 2 बारीक चॉप की हुई, और पुदीना लिया है 1/2 प्याली, अदरक लिए 2 इंच का टुकड़ा बारीक स्लाइस में काटा, हरी मिर्च लिए 7-8 बारीक चॉप की हुई, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। और हरा धनिया लिया है 1/2 प्याली, ये भी डाल देंगे। हरा धनिया पुदीना लाजमी डालनी है, और अंडे डालेंगे कच्चे, तो ये 2 अंडे मैंने लिए हैं, और इसमें डाल दूंगी मैं। अंडे जब आप इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे ना, इसका जायका बहुत ही डिफरेंट होगा। आपने ज़रूर इस तरह बनानी है, तो आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई डिफरेंट जायका आया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और हाथों की मदद से मिक्स करना है आपने, स्पैचुला से या किसी चीज़ से भी आपने मिक्स नहीं करना, हाथों से बहुत अच्छा से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट। तो इसको मिक्स करके मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ, और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये डाल के इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये मैंने बाउल में निकाल लिया है, और अब लेंगे शामी कबाब के लिए थोड़ा सा पीस। तो इसको बना लेंगे शामी कबाब की टिकिया, छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से बना लें टिकिए को। इस तरीके से आप टिकिया बना लें, देखें साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से करें, छोटा या बड़ा, या पतला या मोटा। तो इसको मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी, और सारे शामी कबाब बना लेते हैं। और ये मैंने कुछ शामी कबाब बना लिए हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया था, और इसको बहुत तेज़ ऑयल को गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कबाब जल जाएंगे। तो इसको नॉर्मल ऑयल में आपने फ्राई करना है। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करके दिखाऊँगी। और देखें 1 से 2 मिनट बाद
इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, कितना अच्छा कलर आया है। तो सारे की साइड में चेंज कर देती हूँ, फिर से 1 से 2 मिनट पकाएंगे साइड चेंज करके। तो 1 से 2 मिनट बाद मैं इसको निकाल लूँगी और दिखाऊंगी। दोनों साइडें बहुत अच्छी से तैयार हुई हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है। बस ऐसे ही आपने बनाना है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। तो मैं इन सबको निकाल लूँगी और डिश आउट कर लूँगी। और ये देखें मैंने डिश आउट कर ली है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करते, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं, और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी इसका रेशेदार कबाब, और ये देखें क्या ज़बरदस्त रेशे निकले हैं। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।